नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में इस लेक्चर में आज हम समझेंगे एक विशिष्ट रोग के बारे में, जो कि एक प्रमुख रोग है पिजन पी या अरहर का। पिजन पी या अरहर का जो बोटेनिकल नेम है वो कजानस कजान है, और इसका जो रोग है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में वो है विल्ट। विल्ट फंगस से होने वाला एक रोग है। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो ये सिम्टम किसी भी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। किसी भी स्टेज का मतलब ये सीडलिंग स्टेज, मतलब जब जर्मिनेट करता है उसके बाद भी आपको देखने को मिल जाएगा, और फ्लावरिंग स्टेज और ग्रोथ स्टेज में भी ये सिम्टम आपको आसानी से देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली ये जो इसका अटैक है वो आपको फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन पे स्पेशल रूप से देखने को मिलेगा। इस रोग में जो सीडलिंग और जो एडल्ट प्लांट है उसकी विल्टिंग, जो कि इस रोग का एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम है, या फिर ये कह सकते हैं जो विल्ट ऑफ अरहर है उसमें जो सीडलिंग और एडल्ट प्लांट की जो विल्टिंग होती है वो इस रोग का एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। विल्टिंग या तो ग्रेजुअल होती है, मतलब धीरे धीरे होगी, पहले यहाँ नीचे अटैक होगा और अटैक होने के बाद ये ऊपर इंक्रीज करेगा, यहाँ से शुरू होगा, या फिर ये सडन इसमें आपको येलोइंग, विदरिंग और डाइंग ऑफ लीफ देखने को मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें पूछा गया है कि करैक्टरिस्टिक सिम्टम अरहर के विल्ट का क्या है। पहला पैचेज एट लीव्स, दूसरा विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, तीसरा ट्विस्टिंग ऑफ स्टम, और चौथा डिसकलरिंग ऑफ लीव्स है। आगे देखते हैं इसके सिम्टम में। इस रोग में इंटायर प्लांट या फिर कुछ जो ब्रांचेज है वो आपको इन्फेक्टेड देखने को मिलेगी, या फिर आपको ड्राई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये पूरा प्लांट क्या है, ये पूरा प्लांट विल्टिंग कंडीशन में ड्राइड आपको देखने को मिल रहा है, जबकि इसमें देखो इसमें सिर्फ ये यहाँ से इतना जो है ये सूखा दिख रहा है, और ये इधर का जो पोर्शन है ये आपको ये वाला हरा है और ये सूखा है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं कि सम ब्रांचेज या फिर पूरा पौधा है। इसमें पूरा पौधा सूखा है, इसमें कुछ ब्रांचेज, इस तरफ की ब्रांचेज सूखी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो फील्ड में आप देखोगे तो स्केटर्ड आपको डिजीज प्लांट देखने को मिलेंगे। इसके स्केटर्ड का मतलब ये है कि फील्ड में आपको जगह जगह पे सूखे पौधे दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सूखे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर फंगल कॉलोनी अवेलेबल हैं जो डिजीज अटैक कर रही हैं। जाइलम प्लांट रूट्स और स्टम, रूट्स का और स्टम का जो जाइलम होता है वो उस पे आपको ब्लैक स्ट्रीक देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ब्लैक स्ट्रीक जाइलम जो होता है रूट और स्टम पे देखने को मिलेगा। जाइलम क्या होता है? तो जाइलम जैसा कि आप जानते हैं जो बार्क होता है, बार्क को हम एक हिसाब से जाइलम कह सकते हैं, और जो उसका नीचे का लकड़ी वाला पोर्शन होता है उसको फ्लोएम कह सकते हैं। जाइलम का जो मेन काम है वो जल को जमीन से लेके पत्तियों तक ऊपर पहुंचाना है, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होके जो वेजिटेटिव मास बनता है, और फ्लोएम का काम है ऊपर से बना भोजन नीचे को पहुंचाना। आगे आप देखोगे तो ये जो इसका बार्ग जब आप हटाओगे, मतलब जो भी इसका छिलका हटाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जो अंदर की ये लकड़ी है, लकड़ी भी आपको काली काली देखने को मिलेगी। तो ये भी एक
बहुत मेजर सिम्टम है जो आप आसानी से देख सकते हो, और ब्राउन और पर्पल कलर के बैंड आपको देखने को मिलेंगे स्टम्प पे और जो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इसी के लिए आपको ब्राउन और पर्पल कलर भी ध्यान से देखोगे तो आपको इस रोग में प्लांट के ऊपर देखने को मिलेंगे। पार्शियल विल्टिंग भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने पहला बताया कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो सूखने लगते हैं। पार्शियल विल्टिंग में वैसे होता क्या है, पार्शियल विल्टिंग में एक साइड का आपको जो स्टेम है वो सूखा दिखाई देगा और एक ही साइड की ब्रांचेज आपको सूखी दिखाई देंगी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरा प्लांट जो है वो आपको सूखा दिखाई दे, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल विल्टिंग, और जिसमें पूरा सूखा दिखाई देता है उसको बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग। और इस रोग के द्वारा जो पौधा इन्फेक्ट कर दिया जाता है वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इसमें हम कोई केमिकल का छिड़काव करके या फिर कोई भी कंट्रोल मेजर अपना के जो प्लांट डाई हो चुका है या सूख चुका है उसको आप दोबारा हरा कर लो, ऐसा इस रोग में संभव नहीं होता है। इसीलिए इसका ज्यादा कोई कंट्रोल बाद में नहीं होता है, जो शुरू में आप उपचार कर लें तो ठीक है, अदरवाइज बाद में इस रोग को रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो जड़ होती है, जड़ के पास में आपको व्हाइट पिंकिस कॉर्नी मास, मतलब सफेद से पीले आपको काटन के जैसे रुई जैसी संरचना आपको जड़ के पास दिखाई देगी। वास्तव में वो क्या होता है, वो फंगल ग्रोथ होती है, वो फंगस के हाइफा और माइसीलियम वगैरह जो कुछ है वही आपको देखने को वहां पर मिल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और दिन किसी दूसरे लेक्चर के साथ। जय हिंद।